नमस्कार। अदरक को जिंजर के नाम से भी जाना जाता है और अदरक का हम सदियों से सब्जियों का स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर उसमें बहुत सारी औषधीय गुण होने के कारण उनको आयुर्वेदिक औषधियों में भी इस्तेमाल किया जाता है। कई लोग अदरक का अचार खाना पसंद करते हैं, अचार बना के रख लेते हैं, वो खाना पसंद करते हैं। कई लोग चाय में, सर्दियों में खास तौर पे, भाई अदरक वाली चाय बना देना, मतलब अदरक की चाय पीना पसंद करते हैं। कई लोग क्या करते हैं, अदरक को लेके इसको छाया में सुखा लेते हैं, क्योंकि जो हमें मार्केट से मिलती है ना सौंठ, वो ड्रायर में सुखाई जाती है, जिससे क्या होता है उनके अंदर कुछ गुण कम हो जाते हैं। मगर पुराने लोग क्या करते थे, इस अदरक सर्दियों में अच्छी मात्रा में मिलती है और सस्ती भी मिलती है, लेके इसको छाया में सुखा लेते थे, वो इस्तेमाल करते थे, अपना पाउडर बना के रख लेते थे, कभी पेट की, शरीर में कभी भी कोई रोग होता था उसमें इस्तेमाल करते थे, सब्जियों में खास तौर पे इस्तेमाल करते थे, चाय बनाने में इस्तेमाल करते थे। बहुत अच्छे अच्छे फायदे हैं इसके, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस बीमारी में आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है जिससे आपको पूरा लाभ मिले। इसकी तासीर गर्म होती है और इसका टुकड़ा जो हम ले सकते हैं ना, तो 1 से 2 ग्राम के करीब सुबह, 1 से 2 ग्राम के करीब शाम को, मतलब पूरे दिन में हम 2 से 4 ग्राम तक ले तो हमें कभी नुकसान नहीं करेगा। इसी तरह इसको सुखा के जो हम उसके बाद इसका पाउडर बना के इस्तेमाल करना चाहेंगे, तो आधा ग्राम से लेके 1 ग्राम तक सुबह, आधा ग्राम से 1 ग्राम तक शाम को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरे दिन में हम 2 ग्राम तक इस्तेमाल करें तो कभी ये नुकसान नहीं करेगा। इसी तरह इसको कूट के और इसको कपड़े में, इसका जो पिट्ठी सी होती है वो डाल के और उसको निचोड़ के उसका जो रस होता है वो आधे चम्मच से 1 चम्मच तक सुबह, आधे चम्मच से 1 चम्मच तक दोपहर को, आधे चम्मच से 1 चम्मच तक हम शाम को इस्तेमाल कर सकते हैं, शहद में या अन्य औषधियों के साथ या अन्य चीज़ों के साथ मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद कैसे, किन चीज़ों के साथ मिला के इस्तेमाल करें हमें पूरा फ़ायदा होगा, ये कैसे इस्तेमाल करें, ये मैं आपको सारा इस वीडियो में बताऊंगा ताकि आपको पूरा इसका फ़ायदे का पता चले और आप इसका लाभ उठा सकें। अब एक दिन में हम कितनी बार अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा अदरक का इस्तेमाल मत करें क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, ये नुकसान भी कर सकता है। जो लोग मोटापे से परेशान है, काफ़ी परेशान हैं और वो चाहते हैं कि हमारा मोटापा घट जाए, तो उन लोगों को कहना चाहूँगा, ग्रीन टी में आप 1 चम्मच अदरक का रस और 1 चम्मच नींबू का रस और स्वाद अनुसार शहद मिला के सुबह शाम इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ये आपके शरीर में जमा की जो एक्स्ट्रा की चर्बी है वो धीरे धीरे पिघल जाएगी और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे और पतले होते जाएंगे। जो ग्रीन टी नहीं पीना पसंद करते उनके लिए कहना चाहूँगा कि 1 कप गुनगुना पानी लेके उसके अंदर 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच नींबू का रस और स्वाद अनुसार शहद मिला के खाना खाने के आधे घंटे पहले इस्तेमाल करने से आपके शरीर में जो भी अतिरिक्त चर्बी है, जो शरीर के हाइट के अनुसार जितना वजन होना चाहिए उससे ज़्यादा वजन है, क्योंकि इनके अंदर ऐसे गुण पाए जाते हैं जो शरीर की एक्स्ट्रा की चर्बी को बिल्कुल ख़त्म करता जाता है, वसा को बिल्कुल ख़त्म करता जाता है और आपको निरोग करता जाता है। जिन लोगों के बाल झड़ने शुरू हो गए हैं और किसी भी कारण से टेंशन ज़्यादा लेते हैं, खान पान या गलत रहन सहन या त्वचा में आपके सूजन है जिसकी वजह से खून दौरा अच्छे से नहीं हो रहा या किसी तरह का इन्फेक्शन या एलर्जी की शिकायत है किसी भी कारण से, तो अदरक के रस के अंदर बहुत अच्छे गुण पाए जाते हैं। अदरक का रस निकाल के 3 से 6 चम्मच, क्योंकि महिलाओं को 6 चम्मच इस्तेमाल होता है, पुरुषों को 3 चम्मच इस्तेमाल होता है, तो 3 से 6 चम्मच अदरक का रस लेना है, 3 से 6 चम्मच कच्चे आंवले का रस निकाल के दोनों को मिला के बालों की जड़ों में लगा के हल्के से मसाज करके आधा घंटा छोड़ें और आधे घंटे बाद हल्के गुनगुने या ताजे पानी से धो दें। ऐसा हफ्ते में 3 बार करने से आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे और बालों की ग्रोथ भी अच्छी होती चली जाएगी। जिन लोगों के बाल पतले होके रोम बन के उड़ जाते हैं, झड़ जाते हैं और उनकी ग्रोथ तो होती नहीं है, तो ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा, अदरक के अंदर फैटी एसिड पाया जाता है जो इस्तेमाल करने से आपके बाल मोटे होते चले जाते हैं। तो कैसे इसका इस्तेमाल करना है, अदरक का रस निकाल के और उसको बालों की जड़ों में लगा के आधा घंटा छोड़ना है, आधे घंटे बाद हल्के गुनगुने पानी से या
ताजे पानी से धो देना है। हफ्ते में 3 बार करने से आपके बालों की जड़ें धीरे धीरे मोटी होती जाएंगी और उनको विकास भी अच्छा होता चला जाएगा, वो बढ़ते चले जाएंगे। और ये बालों की लंबाई को भी बढ़ाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ऐसे गुण पाए जाते हैं जो बालों की लंबाई बढ़ाने में आपकी मदद करते हैं। मौसम बदलता है, या ठंडी गर्म चीज़ खाते हैं, ठंडे गर्म माहौल में जाते हैं, या कईयों को एलर्जी के कारण बार बार जुकाम हो जाता है, तो ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा कि अदरक का रस 1 चम्मच, 1 चम्मच शहद मिला के सुबह शाम इस्तेमाल करना बहुत लाभकारी होता है। या मान लीजिए अदरक का रस 1 चम्मच, कच्ची हल्दी का रस 1 चम्मच, 1 चम्मच शहद मिला के इस्तेमाल करना बहुत लाभकारी होता है। या फिर दूसरा तरीका भी है कि अदरक का रस 1 चम्मच और हल्दी का रस 1 चम्मच 1 कप गुनगुने पानी में मिला के उसमें स्वाद अनुसार देसी खांड या शहद या सेंधा नमक डाल के आप गुनगुना चाय की तरह हल्का हल्का पीने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अदरक की हम भाप भी ले सकते हैं, मालिश भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, पहले भाप लेने का तरीका बता देता हूँ कि 1 कप पानी लेके उसमें आपने 2 से 4 ग्राम या 5 ग्राम या 10 ग्राम अदरक को कूट के, अंदाजे अनुसार भी ले सकते हैं, इतना सा टुकड़ा 2 इंच का टुकड़ा लेके उसको कूट के उसमें डाल के अच्छे से उबालें। उसमें जो भाप उठे उस कप को यहाँ रख के और आगे टॉवल रख के कप पकड़ना आसान रहता है, उसकी डंडी भी होती है, तो उससे भाप ले सकते हैं जो भाप, तो इससे भी आपको पूरा लाभ मिलेगा। इसी तरह अदरक का रस और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 से 4 चम्मच अदरक का रस और 3 से 4 चम्मच सरसों के तेल में अच्छे से किसी कटोरी में डाल के गरम करके, जब गरम हो जाए नीचे उतार के हल्का गुनगुना रह जाए तो माथे पे, नाक पे, गले पे, छाती पे, पसली पे, पीछे पीठ पे मालिश करने से पूरा लाभ मिलता है। जुकाम किसी भी कारण से हो, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, किसी एलर्जी या किसी भी तरह से, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। जिन लोगों का खून दौरा शरीर में ठीक से नहीं होता, कभी हाथ सुन्न हो जाते हैं, कभी पैर सुन्न हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा 1 चम्मच अदरक का रस 1 चम्मच शहद मिला के सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत फायदेमंद है। या अदरक वाली चाय सुबह शाम पीना आपके लिए बहुत लाभकारी है। इससे खून पतला रहता है और खून नसें नाड़ियों में कहीं ब्लॉक नहीं होता, उनमें ब्लॉकेज नहीं होती और नसें नाड़ियों में पूरी तरह से खून दौरा करता है। या जिन लोगों को पैरालिसिस की शिकायत है या अधरंगवाद की शिकायत है, उन लोगों को कहना चाहूँगा कि अदरक का रस 1 चम्मच, 1 चम्मच कच्ची हल्दी का रस, 1 चम्मच नींबू का रस, तीनों को मिला के 1 चम्मच शहद में मिला के, या जिनको शुगर की शिकायत है वो हल्का सा सेंधा नमक मिला के सुबह शाम खाना खाने से 1 घंटा पहले इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी नसों की ब्लॉकेज खुल जाती है और वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। जो लोग बीपी हाई से परेशान रहते हैं, बात बात पे गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन रहता है और बीपी की गोली खाते तब भी बीपी उनका कंट्रोल नहीं होता और धीरे धीरे उनके गुर्दे कमज़ोर होने लग जाते हैं, क्योंकि बीपी की दवाई से पेशाब ज़्यादा आता है और उससे हमारी जो नर्वस सिस्टम है, गुर्दे हैं, वो कमज़ोर होने लग जाते हैं। तो प्राकृतिक ने हमें बहुत अच्छी चीज़ दी है, इसमें ऐसा मैग्नीशियम पाया जाता है जो हमारे बीपी को कंट्रोल करने में मदद करता है, खून दौरा ठीक रखने में मदद करता है। तो ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा कि सुबह खाली पेट और शाम को खाना खाने से 1 घंटा पहले 1 कप गुनगुने पानी में 1 चम्मच अदरक का रस और 1 चम्मच नींबू का रस मिला के स्वाद अनुसार सेंधा नमक मिला के या देसी खांड मिला के इस्तेमाल करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है और बीपी बिल्कुल ठीक रहता है। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और ख़ास तौर पे उनका VLDL कोलेस्ट्रॉल, LDL कोलेस्ट्रॉल, सीरम कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो उन लोगों को कहना चाहूँगा ये बैड कोलेस्ट्रॉल है जो हमारे नसें नाड़ियों में जम जाते हैं और ब्लॉकेज पैदा करते हैं, तो उन लोगों के लिए अदरक का रस इस्तेमाल करना सुबह खाली पेट और शाम को खाना खाने से पहले बहुत फ़ायदेमंद है। अपने 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को खाना खाने से पहले इस्तेमाल करना है। स्वाद अनुसार इसमें आप सेंधा नमक या देसी खांड इस्तेमाल कर सकते हैं और सुबह शाम लगातार इस्तेमाल करने से कुछ ही दिनों में आपका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल वाले रोगी मैंने अक्सर देखे हैं जब कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई खाते हैं उनका कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाता है, मगर जैसे ही छोड़ते हैं तो उनका लीवर ठीक ढंग से काम नहीं करता और उनका कोलेस्ट्रॉल फिर से बढ़ जाता है, तो पूरी उम्र उनके दिमाग में फीड हो जाता है कि हमें पूरी उम्र कोलेस्ट्रॉल की दवाई खानी है। तो उन लोगों को कहना चाहूँगा आपके लिए बहुत अच्छी कुदरत की दी हुई बहुत अच्छी औषधि है, अदरक हो गया, कच्चा प्याज हो गया, ये सब चीज़ें, नींबू हो गया, लहसुन हो गया, ये सब चीज़ें प्राकृतिक हैं, आप इसका इस्तेमाल करें और लाभ उठाएँ, जितना हो सकता है केमिकल से बचें और उसके
दुष्प्रभाव से दूर रहें। जिन बच्चों को पेशाब ज़्यादा आता है, ख़ास तौर पे तो तब जब रात को सोते हैं, तो उस समय बिस्तर पे डेली पेशाब कर देते हैं, उनके माता पिता परेशान रहते हैं, हम क्या करें जो इनकी बीमारी को बिल्कुल ठीक करें और हमें छुटकारा मिले। हम कहीं बाहर जाने लायक भी नहीं होते, कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं तो हमें शर्म सी महसूस होती है। तो मैं ऐसे माता पिताओं को कहना चाहूँगा कि अदरक का रस 1 चम्मच, हल्दी का रस 1 चम्मच, 1 चम्मच शहद मिला के सुबह और शाम को खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करने से पूरा लाभ होगा। उनके पेशाब की थैली, जिसे हम मसाने बोलते हैं, उनमें ताकत मिलेगी और पेशाब को कंट्रोल करने की क्षमता बढ़ेगी। इसी तरह शाम को 5 बजे के बाद उनको कहना है कि लिक्विड चीज़ों का इस्तेमाल करना है, कम करना है, पानी का इस्तेमाल कम करना है, मूली का इस्तेमाल कम करना है, जिसमें पानी का अंश होता है ना, वो चीज़ें कम इस्तेमाल करवानी है, ताकि आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ होता चला जाए। बच्चों में और बूढ़ों में ये परेशानी ज़्यादा देखी जाती है, तो बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बूढ़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जिन लोगों को बार बार डायरिया की शिकायत हो जाती है, जिसे हम कहते हैं अतिसार, दस्त भी कहते हैं, पतले दस्त लग जाते हैं, ज़रा सा उल्टा सीधा खा लेते हैं तो दस्त की शिकायत तंग करती है, बैक्टीरिया, ख़ास तौर पे बैक्टीरिया इन्फेक्शन के कारण, तो अदरक के अंदर तो मैंने बताया कि ऐसे गुण पाए जाते हैं जो एंटी बैक्टीरियल भी होता है, एंटीवायरल भी होता है। तो उन लोगों को कहना चाहूँगा कि 100 ग्राम आपने अनार के रस में 1 चम्मच अदरक का रस मिला के स्वाद अनुसार उसमें सेंधा नमक मिला के सुबह, दोपहर और शाम को इस्तेमाल करने से डायरिया की शिकायत बिल्कुल ठीक हो जाती है और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। इसी तरह जो सौंठ होती है ना, अदरक को सुखा के बनाया गया होता है, या फिर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 1/4 चम्मच सौंठ का पाउडर, 1 चम्मच जो सौंफ का पाउडर होता है वो लेके, 1 चम्मच सौंफ का पाउडर, 1/4 चम्मच सौंठ का पाउडर, सौंठ अदरक को बोलते हैं, मिक्स करके उसमें देसी खांड या हल्का सा सेंधा नमक मिला के सुबह शाम गर्म पानी के साथ भोजन के आधे घंटे बाद इस्तेमाल करने से डायरिया की शिकायत बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाती है। ये विधि आप संग्रहणी वाले के साथ भी कर सकते हैं, जो IBS से परेशान है, जिसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है, जिनकी अंतड़ियाँ ठीक काम नहीं करती, तो सौंठ और सौंफ का इस्तेमाल करना उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है। मैंने अदरक के आपको इतने सारे फायदे बताए, तो मैं इसका नुकसान बताता हूँ। वैसे तो इसके ज़्यादा नुकसान नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो नुकसान होता है। कहते हैं ना, अति हर चीज़ की नुकसानदायक होती है। 1 से 2 ग्राम एक समय में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर इसका इस्तेमाल ज़्यादा समय, ज़्यादा मात्रा में करेंगे और ज़्यादा टाइम करेंगे तो आपको नुकसान करेगा, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। इसको खाने से मुंह में जलन और घबराहट, बेचैनी, उल्टी, दस्त की शिकायत हो सकती है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा लेने पे। अगर आप ज़रूरत के अनुसार ही लेंगे तो कभी नुकसान नहीं करेगी। इसी तरह जिनकी तासीर पित्त प्रकृति की है, जिनके शरीर की तासीर गर्म, गर्मी वाला शरीर है जिनका, उन लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए उनको, बल्कि 1 ग्राम की बजाय 0.5 ग्राम ही लेना चाहिए। अगर उनको सूट करता है तो, अगर उनको सूट नहीं करता तो वो भी नहीं लेना चाहिए। इसका इस्तेमाल करना उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। जिन लोगों का BP लो रहता है या जिनका खून बहुत पतला है, उनको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिन महिलाओं को या जिन लड़कियों को मासिक धर्म ज़्यादा मात्रा में आता है, या जिनको नाक से, मुंह से या मूत्र मार्ग से, गुदा मार्ग से खून ज़्यादा आता है, जिनको खूनी बवासीर की शिकायत है, उन लोगों को इसका इस्तेमाल नुकसानदायक है। हाँ, इसको आप कुम्हर के रस में मिला के ले सकते हैं, वो भी थोड़ी मात्रा में, अनार के रस में मिला के ले सकते हैं, मूली के रस में मिला के ले सकते हैं, ताकि ये गन्ने के रस में मिला के ले सकते हैं, ताकि ये आपको नुकसान ना करें, मगर बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करें। ज़्यादा मात्रा में ऐसे लोगों के लिए नुकसानदायक होता है। और दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।